नमस्कार दोस्तों, फोन फिक्स पुणे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मेरे पास एक वन प्लस 9R मोबाइल आया है जो कि डेड कंडीशन में। तो आज ये मोबाइल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इसको चार्जिंग लगा देता हूँ। तो चार्जिंग लगाने के बाद मैंने DC में USB टेस्टर पे देखा जो कि 6-पोर्ट चार्जर वाला, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी 0-1 आके तुरंत चला गया, यानी चार्जिंग भी नहीं हो रहा है और किसी भी तरह से यहाँ से मोबाइल गर्म वगैरह या किस तरह से भी अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो चलिए आज इस टॉपिक में देखते हैं कि मोबाइल किस तरह से यहाँ पर रिपेयर हो जाता है, इसके अंदर क्या कंडीशन है और किस तरह से कंडीशन है, कैसे हम इसको रिपेयर करते हैं। तो वीडियो फुल वॉच कीजिए, यानी आपको बहुत आप इसके अंदर सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर देते, तब इसको मैं माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ले जाता हूँ। तो देख सकते हैं पहले से इसका पतरा किसी टेक्नीशियन भाई ने निकाल दिया है। तो देखते हैं कि इसको पहले ही चार्जिंग लगा देते हैं। चार्जिंग लगाने के बाद मल्टीमीटर को मैंने पहले से वोल्टेज के मोड में रख दिया है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर, पहला तो चार्जिंग लगाने के बाद इसका VPH बनना चाहिए। तो VPH हम एक बार चेक कर देते हैं कि VPH यहाँ पर बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से VPH पहला चेक कर देते हैं। VPH मिल गया तो हमारा दूसरा काम रहेगा, हम इसके जितने भी बक LDO और बक सप्लाई जो कॉइल की है वहाँ पर वोल्टेज आ रहे क्या नहीं आ रहे। तो आप अभी देखा कि यहाँ पर VPH की लाइन यहाँ पर जनरेट हो रही है, यानी हमारा पहला काम यहाँ से ओके है। तो दूसरा काम यही हमारा कि जितने भी LDO की लाइन है, बक LDO बक सप्लाई जितने भी हैं, यहाँ से हम चेक करेंगे कि कौन सा यहाँ पर बन रहा है या नहीं है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो पावर IC के साइड में जितने भी बक कॉइल लगे हैं, वो बक कॉइल के मैं यहाँ से वोल्टेज के रीड में यहाँ पर वोल्टेज आने चाहिए। तो इसमें वोल्टेज कितने आने चाहिए, तो 0.6 के लेके 1.1 2.2 का इसके अंदर इसका बक जनरेट होते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से यहाँ से बक जनरेट हो रहे हैं या नहीं है। तो पहले बक पे चेक किया तो यहाँ भी किसी भी तरह से यहाँ से बक जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी दूसरा चेक किया, इस तरह से इसके अंदर भी कोई चेक कर रहा हो तो कोई भी यहाँ से वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर मिनिमम अभी इतने 8-9 कॉइल लगे, मिनिमम यहाँ पे 5-6 कॉइल पे यहाँ पर बक जनरेट होना चाहिए जब तक मोबाइल सही हो तब। क्योंकि जब बक जनरेट हो रही तभी मोबाइल यहाँ से चालू हो जाएगा। तो देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ से कोई भी बक जनरेट नहीं हो रहा है। तो मैं दूसरे IC के पास और इस IC दोनों के भी IC के जितने भी बक और LDO लगे, एक कैप भी लगे कुछ, तो इस तरह से मैं यहाँ से फटाफट इसके बक चेक कर देता हूँ, कौन से भी बन रहे क्या नहीं वो भी चेक कर देता हूँ, कौन सा नहीं बन रहा है वो भी चेक कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से वीडियो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दूँगा ताकि आपको टाइम बचे, यहाँ पर एक एक बक चेक करने के लिए टाइम लगेगा, इसके लिए आपका वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा मैं यहाँ से वीडियो फॉरवर्ड कर देता हूँ। जहाँ भी मुझे डाउट लगा वहाँ पर मैं स्किप करके आपको बताता हूँ कि इसके अंदर इस तरह से प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कोई भी बक LDO यानी बक कॉइल पे कहीं भी मुझे शॉर्टिंग नहीं मिली। तो मैं इस तरह से इसके अंदर चार्जिंग वगैरह रिमूव कर देता हूँ, बैटरी रिमूव कर देता हूँ। तो अगला स्टेप रहेगा इसकी बैटरी वगैरह निकाल के यहाँ से कूल टेस्ट करना है। तो कूल टेस्ट में मल्टीमीटर को डायोड मोड में यहाँ से सेलेक्ट कर दिए। अब सेलेक्ट करने के बाद देखते हैं कि यहाँ से 1 by 1 यहाँ से मैं जितने भी बक LDO है, जितने भी बक LDO की कॉइल लगी है, बक LDO की कैपेसिटर लगे है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि कहीं ना कहीं हमको शॉर्टिंग मिलेगी, और शॉर्टिंग कौन सी होगी, किस तरह से होगी वो भी चेक करेंगे, और कौन सी जगह पर शॉर्टिंग है वो भी चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से एक एक बक यहाँ से चेक कर देता हूँ और वीडियो को थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। जहाँ भी मुझे डाउट लगे वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर इस तरह से प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि एक एक बक चेक करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं जहाँ पर डाउट है वहाँ पर मैं वीडियो थोड़ा स्लो कर दूँगा और बोलूँगा कि इस तरह से इसके अंदर इस जगह मुझे प्रॉब्लम मिला है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं।
तो इस तरह से मुझे यहाँ पर एक डाउट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉइल पे यहाँ पर मुझे कोई शॉर्टिंग नज़र आ रही है। तो देखते हैं यहाँ पर, फिर से मैं आपको लगा दिखा देता हूँ। तो यहाँ से प्रॉड लगा के तो देख सकते हैं यहाँ पर 004 और 002 यहाँ पर रीडिंग आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर शॉर्ट है, कहीं पे कौन से भी कॉइल पे यहाँ पे इतना शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कि ये कौन सी आईसी है, और ये जो बक यहाँ से जो लगा है, जो भी कॉइल लगी है, ये किस तरह से ये कॉइल है और इसका वजह क्या है कि ये कौन से लाइन में जा रहे हो और ये क्या काम करती है, एक बार वो भी चेक कर देते। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं इसको। और ये आईसी का मॉडल नंबर देख सकते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा साफ कर देता हूँ। आईसी का मॉडल नंबर देख सकते हैं PM8150A, जो कि ये एक PMIC यानी पावर आईसी है। तो इसका वर्जन देख सकते हैं PM8150A 102 इसका वर्जन है। तो इसके अंदर जो ऊपर की जो कॉइल है, इस तरह से ये कॉइल मुझे यहाँ पर शॉर्ट दिखाई दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आईसी का नंबर भी एकदम आपको अभी क्लियर दिखाई देगा होगा। चलो, तो मैं इसको एक बार फिर से देखते हैं कि ये आईसी वगैरह निकाल के देखते हैं, और एक बार यहाँ से फिर से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर शॉर्टिंग है। तो आप देख सकते हैं 02 यहाँ से रीडिंग आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस आईसी को पहले यहाँ से जो बोर्नो है, वो बोर्नो के द्वारा मैं यहाँ से जो 1+9R लगा है, तो इसका बिट मैट यहाँ से खोल देता हूँ। और बिट मैट खोलता हूँ तो इसके अंदर जो भी ये बक जो लाइन है, बक लाइन जो कॉइल है, यहाँ से किस तरह से शॉर्टिंग वो क्या काम की है और किस तरह से कहाँ कहाँ आईसी में जा रही है, कौन से आईसी में जा रही है, तो यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा कि किस तरह से कौन सी आईसी है, यानी कौन सा बक यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो इसका स्केमेटिक डायग्राम तो नहीं है, तो मैं यहाँ से इसका बोर्नो का जो बिट मैट है, बिट मैट यहाँ से खोल देता हूँ और उस जगह पे टिक करके देखता हूँ कि कौन सी आईसी में जा रही है। वो तो कंफर्म हो जाएगी कि ये कहाँ से निकल रही है, कहाँ से जा रही है, वो तो थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा क्योंकि इसका डायग्राम हमारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो चलिए इसका बोर्नो ओपन करते हैं, और बोर्नो ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर जो लाइन गई है वो कहाँ कहाँ जाइए। ठीक है, तो बोर्नो थोड़ा सा स्लोली ओपन हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ से बोर्नो का बिट मैट ओपन हो चुका है, तो देखते हैं कि उस लाइन पे टिक करके देखते हैं कि ये लाइन कौन सी जगह की है और कहाँ जा रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोर्नो को थोड़ा जूम कर देता हूँ, और जो ऊपर की जो कॉइल है, यहाँ आप देख सकते हैं एक ये आईसी के अंदर जा रही है और दूसरी भी ये आईसी के अंदर जा रही है। तो हो सकता है ये BOB की लाइन हो, BOB की LDU की लाइन होगी, तो ये शायद BOB की लाइन है और ये बक और बूस्ट की लाइन है यहाँ पर। तो देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक इसकी 8150 जो ICB लगी है, उसका मैं बिट मैट में यहाँ से फाइंड में जाके देखते हैं कि यहाँ से कौन से मोबाइल में और दूसरी जगह गई है। तो इस तरह से यहाँ से देखते हैं, तो मेरे पास एक Redmi K20 मोबाइल है, यानी डायग्राम है इसका, वो डायग्राम में देखते हैं कि ICP M8150 लगी है। तो आप देख सकते हैं Redmi K20 K40 यहाँ से डायग्राम में आईसी मिली है। तो उस तरह से उस डायग्राम खोलेंगे, उस तरह से देखेंगे कि आईसी कंफर्टेबल उसके अंदर लगी है, तो लाइन कौन सी लाइन है वो एक बार चेक कर देते हैं। मेरे ख्याल से BOB की लाइन होगी क्योंकि आईसी से ही आते, आईसी के अंदर ही जा रही है, क्योंकि मैंने इससे भी वीडियो एक सॉल्व किया था, इस तरह से मोबाइल रिपेयर किया था। तो चलिए Redmi K20 यहाँ से मैं डायग्राम का, उसका भी बिट मैप और स्केमेटिक डायग्राम खोल देता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से प्रॉब्लम मिलता है। तो कैम का नाम पहले देखेंगे कि इसके अंदर आईसी वो कौन सी, वो एक बार देखेंगे। यहाँ पर मैंने हार्डवेयर सॉल्यूशन खोला है। ठीक है, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में देख सकते हैं डॉट तरह इसका इस तरफ है, और ऊपर की साइड ये आईसी का नंबर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कंफर्म कर देते हैं कि वो कॉइल कौन सी है। तो इसका मैं लेआउट खोल देता हूँ और स्केमेटिक डायग्राम भी यहाँ से खोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से स्केमेटिक खोल रहा हूँ मैं। तो लेआउट में जाते हैं, और लेआउट में जाके नीचे थोड़ा आते हैं
नीचे आने के बाद ये जो आईसी है U4700 ये आईसी लगी है, इसको हम कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर अभी वो लाइन कौन सी है वो चेक करना है हमको। तो हम काम करते हैं, इसका जो आईसी लगी है ये आईसी, तो ये आईसी के देख सकते हैं ऊपर की साइड, इसके नीचे के साइड डॉट है, तो यहाँ पर मैं नीचे दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो आईसी है इधर साइड में डॉट है, नीचे आपको साइड में डॉट दिखा होगा, डॉट के अपोजिट साइड यानी PM8150A जिस नाम लिखा है उसके साइड एक कॉइल लगे, वो कॉइल शॉर्ट है। तो डॉट के ऊपर की साइड आप देख सकते हैं, डॉट के ऊपर की साइड यहाँ पर ए नाम लिखा है, वहाँ पर जो कॉइल शॉर्ट है, ठीक है। तो वही हिसाब से हम इस जो आईसी है, कौन सी आईसी यानी PM8150, तो इसका K20 का हम इसका ये खोलेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो देख सकते हैं इस साइड डॉट है, तो ऊपर के साइड यानी ए कॉइल शॉर्ट है जो 9R में, तो K20 में इसके वो कॉइल का यहाँ पर L5003 यहाँ से L500 यहाँ पर कॉपी करेंगे और स्केमेटिक डायग्राम में पेस्ट करेंगे। इस तरह से इसके अंदर फॉल्ट सॉल्व करेंगे यानी ढूंढेंगे। तो देख सकते हैं अभी स्विचिंग की लाइन है, यहाँ पर स्विचिंग की बक और बूस्ट की लाइन है। ये बक से कुछ LDO बनाते हैं, जैसे 2 वोल्टेज होते हैं उसके ठीक अभी BOB से लाइन वोल्टेज निकलता है और जैसे 3.3 निकल रहा है, ठीक है। वो LDO बनाने के लिए जिस पर भी इनपुट दिया जाता है वो इनपुट BOB का दिया जाता है, समझो जो आउटपुट L11 है जो नाम के LDO निकलता है वो 1.8 निकल रहा है, तो उसको इनपुट BOB दिया जाता है। जैसे पहले VPH देते थे इस तरह से उसके अंदर अभी BOB की लाइन से कुछ LDO बनाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह से किया है, पहले जैसा नहीं हुआ जो है, थोड़ा सा अलग इसके अंदर BOB की लाइन दी है, जो कि पहले VPH कम ज़्यादा बैटरी में होने की वजह से वो कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे। तो यहाँ पर बक और बूस्ट जिसका BOB 2.2 और बूस्ट किया है 3.3 से बूस्ट किया है और आउटपुट में इसका BOB का जो निकला है वो BOB जो है 3.3 इस तरह से इसके अंदर आउटपुट निकल दिया है। तो चलिए हम फटाफट इसको आईसी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद देखते हैं कि ये शॉर्टिंग आईसी के अंदर है, तो आईसी यही यहाँ पर अपन आईसी रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है या नहीं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो आगे का स्टेप देखते हैं कि ये लाइन किस किस जगह जा रही है, वो लाइन भी यहाँ से BOB की कितनी जगह जा रही है वो शॉर्ट हो सकती है। तो देखते हैं, चलो इसको मैं वीडियो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ कि टाइम बचे अपना भी। चलिए तो मैं IC यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसको कूल टेस्टिंग में करके देखते हैं यहाँ पर शॉर्टिंग है क्या। यहाँ पर कहीं भी शॉर्टिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है। तो ये शॉर्टिंग जो थी ये IC के अंदर ही शॉर्टिंग थी। तो चलिए मैं यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ, बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। और क्लीन करने के बाद जो मेरे पास एक नई IC है वो IC नई बिटा की, यहाँ पर देखते हैं कि फिर से यहाँ पर शॉर्टिंग आ गई। तो देख सकते कि इसके शॉर्टिंग तो नहीं आएगी क्योंकि अभी तो यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है, तो पहले से अभी आना चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने कूल टेस्ट किया तो कहीं भी यहाँ पर शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ये बल्ब भी थोड़ा सा कुछ हुआ था, जल गया था, इसकी वजह से भी हो सकता है ये BOB के लाइन या IC में कोई दिक्कत होने की वजह से भी यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से फटाफट IC को दूसरे IC को यहाँ से बिठा देता हूँ। मेरे पास एक न्यू IC है और न्यू IC यहाँ से इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर BOB की लाइन पहले शॉर्ट थी, अभी ये शॉर्ट है क्या, वो भी यहाँ पर देखते हैं IC न्यू लगा के, ठीक है। तो यहाँ से मैं न्यू IC आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू IC है, वो न्यू IC यहाँ से मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट उसको IC डाल के देखते हैं कि जो हमारी बक लाइन जो शॉर्ट थी वो बक लाइन यहाँ से शॉर्ट है क्या नहीं वो देखते हैं। मेरे ख्याल से शॉर्ट तो निकलना चाहिए क्योंकि IC के अंदर जा आ रही थी और IC के अंदर ही जा रही थी, दूसरी किस जगह पे नहीं जा रही है। BOB की लाइन मेन जो रहती है वो स्विचिंग की लाइन है, ये दूसरी जो मेन रहती है तो बहुत जगह जाती है, वो शॉर्टिंग होती तो पता चलता कि किस किस जगह जा रही, बहुत ज़्यादा जगह जाती है, ठीक है। तो चलो मैं इसको एक बार कूल टेस्ट कर देता हूँ। कूल टेस्ट में थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर शॉर्टिंग पहले थी वो है क्या नहीं अभी। तो मैं यहाँ से डायोड मोड में सेलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ट्वीज़र यहाँ से नहीं लग रहा है, फिर से यहाँ से चेक कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से चेक करने के बाद देखते हैं कि थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं यहाँ से लगा रहा हूँ। तो
यहाँ से लगा दिया मैंने, तो आप देख सकते हैं डायोड मोड में 315 यहाँ से रीडिंग आ रही है, यानी पहले जो यहाँ पर शॉटिंग आज आ रही थी यहाँ पर शॉटिंग अभी नहीं आ रही, यानी जो इसका प्रॉब्लम था प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुआ है। तो इस तरह से इसके अंदर BOB की लाइन जो कि बक और बूस्ट की लाइन यहाँ से शॉर्ट थी, इसकी वजह से मोबाइल ये डेड कंडीशन में था। चलिए तो यहाँ से डायोड मोड में हमने चेक किया कि यहाँ पर शॉटिंग चली गई है। तो चलिए मैं यहाँ से पहले वोल्टेज मोड को भी चेक कर देता हूँ कि यहाँ पर चार्ज लगा के वोल्टेज मोड में इसका जो कि BOB की लाइन शॉर्ट थी वो BOB की लाइन पे कितना वोल्टेज आ रहा है वो भी कंफर्म कर देते हैं, और बाकी के एक दो जो बक है बक भी चेक कर देते हैं। चलो तो BOB की लाइन में आप देख सकते हैं 2.3 तक 2.4 तक यहाँ पर इसका वोल्टेज आ रहा है, यानी BOB की लाइन जो है 2.2 वोल्टेज से 3.3 वोल्टेज से यहाँ पर BOB की लाइन जनरेट होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बक लाइन यहाँ पर चेक कर रहा हूँ मैं दूसरे कॉइल की, तो 1.2 यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है और दूसरे कॉइल पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और एक दो कॉइल पे चेक कर देता हूँ मैं, तो इस तरह से BOB की लाइन फिर से आपको दिखा है मैंने। तो यहाँ से दूसरी बक यहाँ पर देख सकते 0.6 लेके 2.2 तक यहाँ पर जितने भी बक कॉइल लगे यहाँ पर इतने जनरेट हो जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपने किस तरह से किया। तो चलिए मैं दूसरे वीडियो में दूसरे कैमरे में दिखाता हूँ कि ये मोबाइल यहाँ से चालू हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना कमेंट में और ना भूलें, ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं इस मैंने यहाँ से IC यहाँ से लगा दिए, तो वही IC है, लगाने के बाद ये मोबाइल पूरी तरह से चालू हो चुका है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगले नेक्स्ट वीडियो अब और आएगा अच्छा वाला।